सो गाइस फिर से एक बार जो है डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2019-20 का कैप राउंड 2 का शेड्यूल अपडेट हो चुका है। यानी कि आज जो है जैसे कि पिछला जो शेड्यूल था उसके हिसाब से आज जो है सीट मैट्रिक्स यानी कि प्रोविजनल वैकेंट सीट जो है डिस्प्ले होनी चाहिए थी कैप राउंड 2 की, पर वो आज डिस्प्ले नहीं होगी। और जो नया शेड्यूल है उसके हिसाब से जो है अब ये जो भी जो इसको आपको प्रोसेस करना है कैप राउंड 2 का, तो हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो नया शेड्यूल देखने के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना है महासीटी पर। तो यहाँ पर आप जैसे विजिट करते हो आपको फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सिलेक्ट करना है डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2019। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आप आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी शेड्यूल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये पीडीएफ है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा शेड्यूल देखने मिल जाता है। तो इसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 दोनों का एक साथ ही देख लेते हैं। तो कैप राउंड 2 का जो शेड्यूल है, जो क्या प्रोविजनल वैकेंट सीट जो डिस्प्ले होगी कैप राउंड 2 के लिए, तो वो डिस्प्ले होने वाली है 16/8/2019 यानी कि 16 तारीख को जो है प्रोविजनल वैकेंट सीट डिस्प्ले होगी कैप राउंड 2 के लिए, और वो डिस्प्ले होगी सुबह 10 बजे, 10 AM यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाय द कैंडिडेट। तो ये जो प्रोसेस होगी, मतलब आपको जो ऑप्शन फॉर्म फिल करना है तो वो करना होगा 16 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में, यानी कि 16 तारीख को ही जो है प्रोविजनल वैकेंसी डिस्प्ले होगी और 16 तारीख को ही जो आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे ये जो है स्टार्टिंग होगा 16 तारीख और लास्ट डेट जो होगी ऑप्शन फॉर्म फिल करने की वो होगी 18/8/2019 यानी कि 18 तारीख तक जो है आप फिल कर सकते हो ऑप्शन फॉर्म। और 20 यानी कि 20 तारीख को जो है आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट देखने मिल जाएगा कैप राउंड 2 का, यानी कि आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज एलोकेट हुई है या नहीं हुई, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको 20 तारीख को देखने मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने टाइम भी दे रखा है, वो है 11 बजे, यानी 11 बजे जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज एलोकेट हुई भी है या नहीं हुई है। और फिर नीचे आता है 10th पॉइंट, वो है रिपोर्टिंग टू द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर ARC एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2 इफ सीट इज अलॉटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन कैप राउंड 2। तो उसकी जो डेट बताते हैं वो है 28/2019 से लेकर 22/8/2019 यानी कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में जो भी आपको ARC सेंटर में विजिट करना है वो सब काम आपको जो है 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में करना है। और फिर आपका जो लास्ट आता है कैप राउंड 2 का, वो है रिपोर्टिंग टू द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाई सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 2। तो यानी कि जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है तो वहाँ पर एडमिशन सिक्योर करने की जो डेट है वो है 21/8/2019 से लेकर 23/8/2019 यानी कि 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में जो है आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हुई है वहाँ पर जाके आपको आपका एडमिशन सिक्योर करना है। तो ये था कैप राउंड 2 का। तो कैप राउंड 3 का भी इन्होंने नीचे दिया है। तो कैप राउंड 3 का जो है प्रोविजनल वैकेंसी डिस्प्ले होगी 24/8/2019 को, फिर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है कैप राउंड 3 के लिए, वो है 25 से लेकर 26 के बीच में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो कैप राउंड 3 का है वो डिस्प्ले होगा 27/8/2019 यानी कि 27 तारीख को जो है कैप राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और फिर आपको ARC विजिट करना है कैप राउंड 3 के लिए, वो है 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, और आपको जो एडमिशन सिक्योर करना है कॉलेज के अंदर वो भी होगा 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। तो ये पूरा जो है कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 का आपको मैंने इसमें अपडेट दे दिया है। तो ये जो PDF है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप एक बार जाके इसे डाउनलोड कर लो। अगर आप देखते हो तो ये जो अपडेट आया है महासीटी पर, ये जो ऑफिशियल जो चेंज है अपडेट के अंदर, तो ये आया है 13/8/2019 यानी कि आज ही जो है ये लेटेस्ट शेड्यूल अपडेट आया है। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये अपडेट शेयर कर दो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।